शहर के संविधान चौक पर हॉकर्स और ऑटो चालकों ने अपना व्यवसाय फिर से शुरू करने के लिए प्रशासन द्वारा इजाजत दी जाए इसलिए मनपा प्रशासन के खिलाफ जमकर आंदोलन किया। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में आंदोलनकारी मौजूद थे। जब से इस शहर में कोरोना ने अपने पांव पसारे हैं तब से लेकर अब तक शहर के कई कारोबार पूरी तरह से प्रभावित हुए, चाहे सब्जी बेचने वाले हो या फिर ऑटो चालक। सभी लोगों पर लॉकडाउन जारी होने से भुखमरी की नौबत आ पड़ी है। जहां मनपा प्रशासन ने लॉकडाउन में शिथिलता प्रदान की तब थोड़ी सी राहत की सांस इन लोगों ने ली थी, लेकिन जब से प्रशासन ने ऑटो चालकों के ऑटो चलाना बंद कर दिया तब से लेकर अब तक कई ऑटो चालक और फुटपाथ विक्रेताओं ने जहर खाकर मौत को गले लगाने की कोशिश की। शहर के हॉकर्स और ऑटो चालक की हालत काफी नाजुक है। दवा की रोटी कमाने के लिए उन्हें काफी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। आज भी शहर के लाखों लोग रोजाना भूखे सो रहे हैं। इस और मनपा प्रशासन ध्यान दे इस बात को लेकर नागपुर के संविधान चौक पर हॉकर्स और ऑटो चालकों ने मनपा प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हॉकर ऑटो चालक जिंदाबाद। आंदोलनकारियों ने NBCN समक्ष बातचीत करते हुए ये कहा कि ये सब कोरोना से मरना चाहते हैं, लेकिन भूख से नहीं। आज भी बहुत सारे परिवार के छोटे बच्चे अपने माता पिता से खाना देने की मांग करते हैं, तो उनके माता पिता के आंखों में आंसू आते हैं। इस ओर मनपा प्रशासन ध्यान दे ऐसी मांग जमुम आनंद इन्होंने की है। फुटपाथ दुकानदार एवं ऑटो चालकों के आत्महत्या के लिए कौन है जिम्मेदार, इस बात को लेकर आज नागपुर जिला पथ विक्रेता संघ और नागपुर जिला ऑटो चालक मालक महासंघ की ओर से आज यहाँ पे बड़ी संख्या में यहाँ पे ऑटो चालक कुछ फुटपाथ के दुकानदार यहाँ पे आए हुए हैं। आखिरकार वे संविधान चौक पर आंदोलन क्यों करने जा रहे हैं, इस आइए हम सीधा रुक करना चाहेंगे। जम्मू आनंद जी हमारे साथ में है, उनसे जानना चाहेंगे। आनंद साहब, ये बताएं कि जिस तरह से आज यहाँ पे जो आंदोलन किया जा रहा है इसकी वजह क्या है? आज का आंदोलन नागपुर शहर के साप्ताहिक बाजार और फुटपाथ दुकानदार और ऑटो चालक इनका संयुक्त विद्यमान में यह निदर्शन किया जा रहा है। और जो मांग है कि शहर के अंदर फुटपाथ दुकानदार हो, साप्ताहिक बाजार हो या फिर ऑटो का व्यवसाय हो, इनको शुरू किया जाना चाहिए। और 5 महीने में खास करके फुटपाथ दुकानदार और ऑटो चालक और उनका परिवार अब गंभीर भूख के संकट से जूझ रहा है। पिछले 3 महीनों में करीब 6 ऑटो चालकों ने आत्महत्या की है और 4 फुटपाथ दुकानदारों ने आत्महत्या की है। और आने वाले दिनों में अगर यही परिस्थिति रही तो बड़े पैमाने पे लोग भूखमरी के शिकार हो जाएंगे। और जहाँ तक निगम प्रशासन का सवाल है, मुंडे जी का सवाल है, मुंडे जी की पूरी रणनीति पिछले 5 महीने की धराशायी रह गई है, असफल हो गई है। और अब वो अपनी असफलता का ठिकाना शहर के गरीबों अवामों के माथे पर मारना चाहते हैं, जिसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन आनंद साहब, आपको ये नहीं लगता कि जिस तरह से आज बड़ी संख्या में ये जो लोग आए, कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है और कोरोना सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए लोग नजर नहीं आ रहे, आपको क्या, आपकी इस बारे में आपका क्या कहना है, क्या कोरोना संक्रमण नहीं बढ़ रहा है? देखो, ऐसा है कि पिछले 5 महीने में सबसे ज्यादा यातनाएं अगर किसी ने सहा है तो साप्ताहिक बाजार और फुटपाथ दुकानदार और ऑटो चालक। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि एक भी ऑटो चालक हो या फिर हमारा फुटपाथ दुकानदार हो, कोरोना का शिकार नहीं हुआ। इसकी वजह यह है, डॉक्टरों की अगर माने, जो समाज मेहनत करता है शारीरिक, वो कोरोना का शिकार हो नहीं सकता, क्योंकि शारीरिक मेहनत से उस शरीर की रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ती है। और कोरोना का मुकाबला डंडे से नहीं हो सकता, सिर्फ अपने अपने शरीर की रोग प्रतिकार शक्ति को बढ़ा के किया जा सकता है। आखिर का सवाल मेरा ये है कि जिस प्रकार से आपकी जो टैगलाइन है कि हम कोरोना से नहीं बल्कि भूखमरी से मरना पसंद करेंगे, अगर मुंडे को ये लगता है कि कोरोना महामारी से निपटने का एकमात्र तरीका लोगों की रोजी रोटी छीन कर अगर है, तो हमें कह देना चाहते हैं कि नागपुर शहर का मेहनतकश, अगर उसके सामने मौत एक पर्याय अगर है,
तो हम कोरोना से मरना पसंद करेंगे, लेकिन नकारा भूख से मरना हम पसंद नहीं करेंगे, ये मुंडे को हम कह देना चाहते हैं। तो मनपा का एक तुकारा मुंडे इन्हें ये बात कहते हुए जम्मू आनंद इन्होंने ये कहा है कि वे कोरोना से मरना पसंद करेंगे मगर भूख से नहीं, क्योंकि आने वाले जब हम देखते हैं कि कई ऑटो चालकों के कामकाज पूरी तरह से बंद है, शहर में जो फोर व्हीलर है पूरी तरह से शुरू है, कहीं ना कहीं इस शहर के नागरिकों के लिए न्याय होना चाहिए, क्योंकि कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है इसमें कोई संदेह नहीं है, और जिस तरह से ये तमाम जो लोग दिखाई दे रहे हैं इनसे भी कोरोना का संक्रमण बढ़ सकता है, बशर्ते इस पर प्रशासन ने ध्यान देना चाहिए और इनकी मांगों को पूरा करना चाहिए, क्योंकि भारत ये ऐसा देश है कि कोरोना महामारी को रोकने के लिए और जन जागृति करने के लिए लोगों को अवेयरनेस होना तो ज़रूरी है, मगर भूखे रहकर कोई भी काम नहीं हो सकता, इनके रोजगार फिर से शुरू हो यही समय की मांग है। संविधान चौक से कैमरा पर्सन सुभाष बुटले के साथ संजय मीरे, इनबीसी न्यूज़ नागपुर।